Welcome in online teaching. Please like, share and subscribe. Hello friends, मैं बात करूंगा आपसे जो है फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन के बारे में। तो उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सी अर्चिन में किस तरीके का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो पहली बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि सी अर्चिन में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो बेसिकली बाहर होगा, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं आपके सी अर्चिन्स में, जब तक वो सी अर्चिन्स के बॉडी में रहते हैं तब तक वो मोटाइल नहीं होते हैं, जिसके द्वारा वो एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब वो क्यों मोटाइल नहीं होते हैं, क्यों एग तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो टेस्टिस की अगर मैं बात करूँ कि टेस्टिस के अंदर क्या कंडीशंस होती है स्पर्म की, तो इन टेस्टिस स्पर्म नॉन मोटाइल बिकॉज लो पीएच ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब एसिडिक मीडियम। कहने का ये मतलब है कि जब तक आपका टेस्टिस में स्पर्म रहता है उस वक्त तक उसका जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा आपका लो होता है। पीएच के लो होने के कारण ही आपका स्पर्म मोटाइल नहीं करता। जैसे ही वो आपका सी वाटर में जाता है वैसे ही उसका पीएच इंक्रीज हो जाता है और वो एक्टिव और मोटाइल हो जाता है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट पे है। मेल गैमेट्स स्प्रेड इन सी वाटर, पीएच इंक्रीज अप टू 7.6। O2 लूज होती है, उसी O2 लेवल लूज हो जाता है और जिसके कारण मेल गैमेट्स एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पीएच कॉज एक्टिवेशन ऑफ डायनेन एटीपेज विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो जैसे ही आपका पीएच इंक्रीज होता है डायनेन एटीपेज जो होता है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है स्पर्म को मूवमेंट के लिए। आगे कहता है डायरेक्शन फॉर मूवमेंट स्पर्म मूवमेंट प्रोवाइड बाय स्मॉल कीमोलैक्टिक पेप्टाइड दैट हैज बीन सीक्रेटेड बाय एग ऑफ सी अर्चिन कॉल्ड एज रिसेप्ट और सिग्नल मॉलिक्यूल्स। तो कहता है कि जैसे ही आपका स्पर्म का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे स्पर्म जो होता है वो एग तक जाता है, तो ये जो डिपेंड होता है ये एग पे होता है। क्या होता है कि एग एक तरह का स्पेशल सिग्नल मॉलिक्यूल्स, जिसे आप इस समय रिजेक्ट लिखे हुए हो, रिजेक्ट जिसे आपने इस समय रिजेक्ट लिखा हुआ है, वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स आपका सिक्रीट होता है। रिजेक्ट सिग्नल मॉलिक्यूल आपका वहाँ से सिग्नल मॉलिक्यूल्स एग से आपका सिक्रीट होता है, जिसे कि जो स्पर्म होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, स्पर्म रिसेप्टर रिकॉग्नाइज रिजेक्ट, जैसे ही जो भी आपके बाइंडिंग रिसेप्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पर्म के ऊपर आपको बाइंडिंग रिसेप्टर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं कि इस रिजेक्ट को पहचान लेते हैं और क्या करते हैं रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, दिस बाइंडिंग एक्टिवेशन टू गुआनिन साइक्लेज। और यहीं जैसे ये बाइंडिंग रीजन पे रिजेक्ट रिसेप्टर को बाइंडिंग कराते हैं उसी समय यहाँ एक प्रोटीन एक्टिवेट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं गुआनिन साइक्लेज। एक्टिविटी इन साइटोप्लाज्मिक साइट, तो वहाँ पे क्या होती है गुआनिन साइक्लेज एक्टिवेट होता है। गुआनिन साइक्लेज की एक्टिविटी के से क्या फ़ायदा है उसके बारे में बताता हूँ। CA++ चैनल बिकॉज एक्टिव अलाउिंग इनफ्लक्स ऑफ CA++ फ्रॉम सी वाटर इनटू स्पर्म। अब क्या होता है कि CA++ चैनल ओपन हो जाता है और क्या होता है कि सी वाटर से जो कैल्शियम आयन होते हैं वो अंदर आना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे ही गुआनिन साइक्लेज आया कैल्शियम आयन चैनल ओपन हुआ और वो क्या होता है कि CA कैल्शियम आयन जो होते हैं वो अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। CA आयन एंट्री परमिट एक्टिवेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं वैसे ही स्पर्म को मोबाइलिटी मिल जाती है, स्पर्म मोटाइल हो जाता है और फिर वो एग की तरफ चल जाता है। तो आगे देखते हैं स्लाइड में कि अब किस तरीके से वो उसके मेम्ब्रेन को फ्यूज कर रहा है। तो उसके पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे स्नैपशॉट्स है मेरे पास नोट्स के, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो ये आपका है फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन, टेस्टिस के अंदर किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है उसकी बात कर रहा है, फिर मेल गैमेट्स किस तरीके से स्पर्म में किस तरह से इंक्रीज हो रहा है पीएच उसकी बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा है कि किस तरीके से डायरेक्शन जा रहा है सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रीड करके, फिर बाइंडिंग की बात कर रहा है गुआनिन साइक्लेज एक्टिवेशन साइटोप्लाज्मिक साइट पे, और फिर कैल्शियम चैनल किस तरह से ओपन हो जा रहे हैं गुआनिन साइक्लेज थ्रू, और जो आपका कैल्शियम आयन है वो सी वाटर से अंदर की ओर आ रहा है जिससे आपको स्पर्म की मोबिलिटी मिली। तो एक बेसिक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थी जो कि होता है सी अर्चिन में, ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। तो आगे की स्लाइड में हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से स्पर्म फ्यूज करेगा उसकी मेम्ब्रेन को।
हेलो फ्रेंड्स, तो फिर मैं अब आ गया हूँ आपके सामने जो है फर्टिलाइजेशन लेकर के कि किस तरीके से वो एग मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करेगा, एग मेम्ब्रेन को स्पर्म फ्यूज़ करेगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस। तो क्योंकि इसमें एक्रोसोम्स जो होते हैं, बॉडीज होती है, वो किस तरीके से अंडर आपकी जा रही है, किस तरीके एक्रोसोमल प्रोसेस हो रही है, आपको कुछ इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो आइए चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या गया है। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा कॉन्टैक्ट की, तो कहता है कि द स्पर्म सेल कॉन्टैक्ट द एग जेली को एट ट्रिगरिंग एग्जोसाइटोटिक फ्रॉम द स्पर्म एक्रोसोम्स। तो ये देखिए किस तरीके से सबसे पहले ये जाता है, इस जो पूरे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं जेली कोट होता है। ये स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, तो उसकी बात यहाँ पे आपका करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट द स्पर्म सेल्स एग जेली कोट ट्रिगरिंग एग्जोसाइटोसिस फ्रॉम द स्पर्म एक्रोसोम। अब क्या होता है कि जैसे ही कॉन्टैक्ट में एक्रोसोम यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका एक्टिन फिलामेंट से जुड़ा होता है, ठीक है, स्पर्म हेड के द्वारा, और जैसे ही जेली कोट के संपर्क में आता है वैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होता है, एग्जोसाइटोसिस के द्वारा इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनका ब्रेकडाउन करते हैं और फिर ये बाहर आ जाते हैं और सरफेस पे आ जाते हैं। जेली लाइक जो सरफेस होता है ये इस पे आकर के आ जाते हैं। और एग्जोसाइटोसिस मतलब किसी भी बाहर की चीज़ों को आपको बाहर करना, मतलब एग्जो करना मतलब बाहर करना, किसी वेसिकल के फॉर्म में आकर के उसको बाहर की तरफ स्प्रेड करना, ये आपका एग्जोसाइटोसिस के अंतर्गत आता है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन की बात करते हैं तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज फ्रॉम द एक्रोसोम्स, तो जो एक्रोसोम्स हैं उनके द्वारा आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज फ्रॉम द एक्रोसोम मेक्स अ होल इन द जेली कोट, तो जो मिडलाइन मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या करते हैं वो, ये एक जेली कोट जो होती है उसको उसमें क्या करते हैं, ये होल करते हैं, विच ग्रोइंग एक्ट इन फिलामेंट फ्रॉम द एक्रोसोमल प्रोसेस, ताकि उसके अंदर स्पर्म अपना न्यूक्लियस एंट्री कर सके, तो हेड एंट्री कर सके। तो फिलामेंट्स फॉर्म एक्रोसोमल प्रोसेस, दिस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पर्म हेड एंड पेनेट्रेट द जेली कोट बाइंडिंग टू रिसेप्टर इन द एग मेम्ब्रेन दैट एक्सटेंड थ्रू द विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से स्पर्म आपका वहाँ पे पहले हाइड्रोलिटिक एंजाइम को करता है, फिर उसको फ्यूज करता है उसके मेम्ब्रेन को, और ये वहाँ पे रिसेप्टर पे जा कर के पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा कि जो यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि रिसेप्टर अगर मैं कहूँ कि कौन से रिसेप्टर आपके पाए जा रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर के स्पर्म उनसे बाइंड कर जाएंगे और फिर वो पूरी तरीके से जैसे रिसेप्टर्स को बाइंड करेगा वैसे ही पूरी की पूरी मेम्ब्रेन फ्यूज जाएगी। कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन, तो जैसे ही वो उस पर आएगा तो उसको पता लग जाएगा, ओ माय गॉड ये तो आ गया भाई, स्पर्म आ गया है, तो वो क्या करेगा, रिसेप्टर तुरंत उस चैनल को ओपन करने के लिए कहेगा। कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एक तीसरा पॉइंट आप लोग देखिए, अ होल इज मेड इन द विटिलाइन मेम्ब्रेन अलाउिंग कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज रिजल्टिंग इन द फ्लास्क ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। जैसे ही स्पर्म आपका अंदर की तरफ आता है तो अब क्या होता है कि ये तो आ गया, एंट्री ऑफ स्पर्म आपका हो गया अंदर, ठीक है, पेरीविटलाइन स्पेस यहाँ पे होता है, वो आपका विटिलाइन मेम्ब्रेन होता है ये जो, और ऊपर की तरफ आपका सबसे पहले क्या होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो ब्लू रंग की आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन आपको, ये आपका क्या है, विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है कि प्री विटिलाइन के स्पेस में आपका ये आ जाता है एग के साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शंस होती है जिसे आप लोग बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, एंट्री ऑफ स्पर्म रिएक्शन। फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स मेम्ब्रेन ट्रिगर्स एन इंक्रीज ऑफ कैल्शियम आयन इन द एग साइटोसॉल, वैसे वहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम आयन एग साइटोसॉल में आ जाता है, causing cortical granule in the egg of fuse with plasma membrane and discharge their content discharge karte hain nucleus ko, this lead to swelling in pre-vitelline space, hardening and vitelline layer and clipping of sperm binding receptor, the resulting fertilization envelope is slow bulk of polyspermy। to this is slow bulk of polyspermy ke through aur fast bulk of polyspermy wahan pe dono cheeze hoti hain, aur fir फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, कॉर्टिकल रोटेट कर जाता है जो होता है वो
क्या था कि पूरा का पूरा जो फ्लूड होता है ना उसको स्लो ब्लॉक के द्वारा उसको पूरा जैम कर देता है, पार्ट को जैम कर देता है कि और बाकी भी कुछ भी अंदर ना आने पाए और भी स्पॉन्स उसके अंदर ना आने पाए, तो इसलिए होता है। तो ये था आपके सामने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन सी अर्चिन्स। तो आज आपने सी अर्चिन्स के डेवलपमेंट्स के बारे में कहीं कहीं थोड़ा पढ़ा। तो अभी जो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार थोड़ा कुछ टॉपिक कम्प्लीट है, चूँकि अचानक से एक वीडियो था जिसमें मैं आपको क्वास ब्लॉक, स्लो ब्लॉक, पॉलीस्पर्मी के बारे में बताना है और मैमल के डेवलपमेंट, सबके डेवलपमेंट के बारे में लेके आऊँगा। बहरहाल CSIR का एग्जामिनेशन है, मेरा जो टारगेट है ऑनलाइन टीचिंग का जो टारगेट है वो है कि बहुत सारे वीडियोस स्टूडेंट को प्रोवाइड कराए जाएँ।